लोग यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए स्पेशली आते हैं। ना मेरे एयरटेल को यहाँ नेटवर्क है, ना वोडाफोन को, ना ही जियो को। हवा इतनी आ रही है ना कि छतरी उल्टी हो रही है। हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश कावड़े। आज हम लोग आए हैं हरिश्चंद्रगढ़, जो कि मुंबई से अराउंड 200 किलोमीटर दूर है। और अगर आपने राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी सुनी होगी तो वो रिलेट करती है कहीं ना कहीं इस लोकेशन से। मतलब राजा हरिश्चंद्र तो थे अयोध्या के, जब वो माउंटेन में आए थे तो वो यही माउंटेन था। यहाँ पर आपको राजा हरिश्चंद्रगढ़ का भी लोकेशन मिलेगा, और जहाँ पर उनकी वाइफ रही थी तारामती, उनका भी लोकेशन है। उसको तारामती पीक कहते, जो महाराष्ट्र का हाईएस्ट में थर्ड आता है। तो तारामती पीक मिलेगा, और राजा हरिश्चंद्र बेटे हैं उनका रोहिदास पीक भी वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और उसके अलावा राजा हरिश्चंद्रगढ़ के बगल में ही भगवान केदारेश्वर का मतलब ज्योतिर्लिंग है। सुबह घूमने चलेंगे वहाँ पे। आज का डेट August 8 है, और उस वक्त भी यहाँ इतनी ठंडी है। तो आप सोच सकते हो, अगर आप ठंडी के मौसम में आओगे नवंबर में, तो क्या हाल होता होगा यहाँ पर लोगों का। बारिश आ रही है। हमारी सुबह की मैगी है, चाय है, ये कुछ घास की चाय, मराठी में गौती चाय बताया हमें दादा ने, और उसके साथ हमने नींबू भी मंगाया, बिकॉज दे सेड कि नींबू भी डाला जाता है। पूरी आधी नींबू मैंने निचोड़ के डाल दिया इसमें, और ये ज़्यादा ही नींबू टेस्ट करें, शायद हेल्थ के लिए अच्छा हो। हम लोग ने यहाँ दुर्गा होटल में स्टे किया था, और अभी सुबह उठ के जो देख रहे तो मतलब दिल खुश हो गया यार। चारों तरफ माउंटेन से घिरे हुए हम लोग, और ये आप देख सकते हो हर तरफ माउंटेन वाटरफॉल। यहाँ से आपका ट्रैक चालू होता है, यहाँ से राइट की ओर आपका पार्किंग भी अवेलेबल है। थोड़ी दूर जाके आपको पार्किंग मिलेगा, और क्योंकि हम लोग बारिश के सीज़न में आए हैं तो यहाँ पे आपको वाटरफॉल भी देखने मिल रहा है। ये जो वाटरफॉल यहाँ पे दिख पा रहा है आपको, ये उन पहाड़ों में से आ रहा है। चावल की खेती हो रही है यहाँ पे माउंटेन्स। और कुछ मिनट पहले जब हम एंट्री के पास जो छोटा सा वाटरफॉल देख रहे थे, वो यहीं ऊपर से आ रहा था। कैसा चढ़ेगा कीर्तन अभी, तो देखते हैं आज के दिन इन खतरनाक रास्तों पे हमारे प्रिय मित्र कीर्तन कांचन कैसे जंगलों का सामना करते हुए चढ़ते हैं पहाड़। तो मुझे लगता है कीर्तन के पास थोड़ा सा ब्रेन कम है, बेचारा बहुत ज़्यादा ट्रेकिंग कर रहा है, बट उन्होंने ये आसान रास्ता देखा ही नहीं। गलती हो गई गाइस, ये रास्ता कट कर दूंगा मैं वीडियो में। अभी जो है जनरली ट्रेकिंग चालू भी नहीं हुई है, ऊपर दारू वगैरह कुछ अलाव नहीं है, और चिकन भी अलाव नहीं है। जो रियल ट्रैक चालू होने वाली है यहाँ से होने वाली है, लेकिन ट्रैक शुरू होने से पहले बैठने की सुविधा है। तो आप देख रहे हो हरिश्चंद्रगढ़ के ये खतरनाक रास्ते, उसमें से ये भैया यहाँ पर ही रहते होंगे, पानी का बोतल लेके ट्रैक कर रहे हैं, जहाँ की साधारण लोगों के लिए बिना बैग के भी जाना मुश्किल होता है।
तो दोस्तों एक्सप्लोर करते करते हम एक ऐसे जगह आए हैं, देखिए मेरे पीछे पूरा पहाड़ी पहाड़ है और आपको कुछ दिखाना है। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ही प्यारा मोर का चित्र बनाया गया है और उस मोर के पीछे है एक बंदर का चित्र। डेफिनेटली आप आओगे पासने के रास्ते से तो ये सब आपको एक्सप्लोर करने मिलेगा। अभी हमें जाना है 1940 मीटर आगे और वहाँ पर एक गुफा था, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बढ़िया गुफा यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है एक घर की तरह इन पत्थरों के बीच। इस गुफा को क्रॉस करने के बाद हमें देखने मिलता है एक और पेंटिंग चूहे का, मूषक राज जी का। तो चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्तों और कुछ आधे घंटे का सफर बाकी होगा और ये वाटरफॉल अगर आप अदर सीजन में आते हो ठंडियों में तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, बट फिलहाल यहाँ पर उतरना किसी के लिए भी सजेस्ट नहीं किया जाता, काफ़ी ख़तरनाक है। मतलब यहाँ से अगर हम स्लिप हो गए तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग खुद वाटरफॉल में उतरने वाले नहीं है। क्योंकि देखो आपके फ़ोन में यहाँ पर सिम कार्ड का जो नेटवर्क होता है, फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल भी ज़ीरो है। ना मेरे एयरटेल को यहाँ नेटवर्क है, ना वोडाफोन को, ना ही जियो को। तो इनके अगर हमारे साथ कुछ अनहोनी हो भी गई तो हम किसी को कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते यहाँ पे, बस लोकल का सहारा लेना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे आने से पहले आप घर वालों को बता दो कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। मैंने खुद घर पे बताया था बट कल रात से या कल दोपहर से एक्चुअली, उसके बाद मेरे घर वालों से बात ही नहीं हुई। लगभग 3:30-4 बजे मैंने घर वालों को फ़ोन करके बताया था। अगर ये मौसम ठंडियों का होता तो मैं शायद इस पानी में उतरता, बट फिलहाल रिस्की है, पैर स्लिप हो सकता है। वैसे पानी बड़ा ही खूबसूरत और क्लीन है, देखो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी पूरा स्लिपरी है, बहुत सोचते मच के जाना पड़ रहा है। चलो फाइनली मैं इस लोकेशन से निकल चुका हूँ। हमारे चारों तरफ फॉग जम चुका है पर हमको रास्ते भी नहीं दिख रहे कि जाना कहाँ है। देखो फॉग ही फॉग है, नसीब सूरज की रोशनी नज़र आ रही है, फॉग थोड़ा कम होते जा रहा है। हम लोग गलती से यहाँ गए थे लेकिन रास्ता इस तरफ है, ये देखिए इतना अच्छा रास्ता है बट फॉग की वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा था। फाइनली थोड़ा फॉग कम हो गया, अब सही रास्ते पर आ गए हम लोग। हमने जिसके घर पे स्टे किया था उन्होंने हमें एक फीडबैक दिया था कि अगर आप जा रहे हो फॉग जम जाता है और आपको रास्ते नहीं दिखते, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, तो आप कुछ देर के लिए वहीं पर रुक जाओ और फिर जब फॉग कम हो जाएगा या फिर कोई दूसरा ट्रेकर का ग्रुप आएगा ना तो उनको रास्ता पता रहेगा, तो आप उनके साथ रास्ते में जुड़ जाना। तो हमने वही किया, थोड़ा रुके, फॉग कम हुआ, हमें रास्ता दिखने लगा। पहाड़ को जो लाइफ है गाइस उतना भी आसान नहीं है जितना ये दिखता है, उतना भी खूबसूरत नहीं है। फिलहाल हमको मच्छर काट रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे आगे के डेस्टिनेशन पे। हम लोग आए हरिश्चंद्रगढ़ ट्रेकिंग के लिए और हमारे साथ कुछ न्यू फैमिली मेंबर जुड़ गए, महेश कावड़े ब्लॉग टू त्रिके यात्री में। आपका नाम है? महादेव। तुमसे नाम? विशाल। विशाल 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 और महादेव, महादेव के साथ हम ट्रेकिंग कर रहे हैं। इन दोनों कहना कि हमें पहले भी देखा है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ पहले देखा है हमने ब्लॉग में ना, देखते हैं, प्राउड मोमेंट फॉर अ ब्लॉगर। यस, हवा इतनी आ रही है ना कि छतरी उल्टी हो रही है। झोपड़ी के पीछे हरिश्चंद्रगढ़ है और आगे है कोकनकड़ा। हम लोग लगभग हरिश्चंद्रगढ़ के सामने ही रुके एक होटल में, होटल सोमनाथ के पास। सामने जो पेड़ है उसके बिल्कुल बगल में ही राइट साइड में मंदिर है, लेकिन फॉग इतना आया है कि अभी नहीं दिख रहा, लेकिन फॉग कम हो गया तो दिख जाता है। यही है वो मंदिर जिसमें पड़ा था शिवलिंग है, साल के 12 महीने उसमें पानी रहता, इतना भी कम नहीं होता भले से कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। आ जाओ,
आइए। तो वहाँ पे बड़ा था ज्योतिर्लिंग, इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है, गणेश भगवान जी की मूर्ति भी आता है। तो हम लोग आए थे यहाँ पे और यहाँ पे हमें कुछ नए सब्सक्राइबर मिले हैं। दोस्तों नाउ सूरज बढ़िया अनिल विशाल, तो ये हमारे नए सब्सक्राइबर है। बहुत ही अच्छी जगह पे एक्सप्लोर करना है। भाई को लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो। भाई का कांटेक्ट बहुत अच्छा है। समझे ना क्या क्या सुविधा क्या है आपका, यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत एकदम आनंद अच्छा है। और काले तो गए सर, देख के ना बहुत मजा आ रहा है। तो गए सर आ रहे उत्तराखंड जम्मू कश्मीर से लगता है, महाराष्ट्र का जम्मू कश्मीर है। हां क्या फॉग है, शिमला मनाली से काम नहीं है। तो गाइस लोग पूछते हैं कि हरिश्चंद्रगढ़ और केदारेश्वर के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर बस इतना ही है। बस थोड़े से रास्ते बारिश के मौसम में और डेंजर हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ से उतरे हैं और यहाँ से हमको जाना है केदारेश्वर के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा लाइन लगा हुआ है लोगों का, कि स्टेप बाय स्टेप लाइन से सबको एक एक करके आगे जाना है। और अगर आप देख पा रहे हो तो अंदर जो है ये है केदारेश्वर, जहाँ के जो चार स्तंभ थे उनमें से ऑलरेडी तीन स्तंभ टूट गए, और ये चार युगों को दर्शाता है, जिसमें से एक सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, और जो लास्ट खम बचा है वो है कलयुग का खम। मतलब जिस वक्त कलयुग खत्म हो जाएगा ये खम टूटेगा, या फिर जिस वक्त ये खम टूट जाएगा, ये स्तंभ टूट जाएगा, उस वक्त कलयुग का विनाश हो जाएगा, ऐसा कहते हैं लोग। यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए स्पेशली आते हैं। दोस्तों आज ना सैटरडे है ना संडे, आज गुरुवार है थर्सडे, और फिर भी लोग देखो कितने भरे हैं। तो आप सोच के देखो अदर डे में यहाँ कितनी भीड़ होती होगी। तो गाइस ये तो केदारेश्वर केव है, यहाँ पर जो पानी है ये किसी वाटरफॉल से नहीं आ रहा अंदर, ये यहाँ पे नेचुरल पानी, पता नहीं जैसे कुआं वगैरह होता है वहाँ उस तरह, यहाँ पे कुंड का पानी है और 12 महीने रहता है यहाँ पे। मैं ठंडियों में आया था इससे ज़्यादा पानी मिला मुझे, जबकि अभी बारिश इतना है फिर भी उतना पानी नहीं है। और अब हम जा रहे हैं हरिश्चंद्रगढ़ के लिए। लगता है यहाँ पे हवन होता है, पूजा होती है, काफी अच्छा केयर है। ठंडी में वगैरह आओगे ना यहीं पे आप आस पास में कैंप करके अच्छे से रह सकते हो, बस एक चादर वगैरह लगेगा सोने के लिए। यहाँ का जो पानी है ना पीने लायक है, पीने लायक यहाँ का पानी हम पी सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोग बोतल भर के ले गए थे जब नवंबर में आए थे। गणपति बाप्पा के दर्शन हो गए। चलो तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट कोकनगढ़ा के करीब है, हरिश्चंद्रगढ़, पानी का कुंड, छोटा गणपति, और ये इस तरफ जो माउंटेन दिख रहा होगा हाँ, यहाँ पर है गणपति की बड़ी सी गुफा है, और इस तरफ आएगा कोकनगढ़ा। तो गाइस ऐसे रिबन आते हैं, तो अगर ऐसा ऑरेंज कलर का रिबन मिल गया आपको भगवान रंग का, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्तों पे हो। ये जो लड़के गए क्या है कि लकड़ी वगैरह लेके आए थे वो लोग, एक स्टिक लेके, जिससे क्या है कि ट्रेकिंग इजी हो जाती है, आप एक सहारा होता है लकड़ी आपका।
वहाँ पर लिखा है गाइस कि 210 मीटर में आपको कोकनगढ़ा दिखने वाला है, लेकिन कोकनगढ़ा से व्यू देखा जाता है, व्यू इंजॉय किया जाता है। हमको यहाँ कोकनगढ़ा ही नहीं दिख रहा, उतना फॉग है, कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। कोकनगढ़ा फेमस है अपने रिवर वाटरफॉल के लिए। फिलहाल इतना फॉग है, आई डोंट नो आपको सारी चीजें दिखेगी कि नहीं। यहाँ पे कोकनगढ़ा में पानी नीचे की जगह हवे से वापस ऊपर आता रहता है, ऐसा लगता है बारिश आ रही है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख पा रहे हो पूरा कचरा वगैरह लगा यहाँ पे, नीचे गिरा हुआ था वहां पे मिला हमको। इसको भी हम फेंक के देखेंगे क्या ये उड़ेगा। वन टू थ्री, सो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अगर आप भंडारदरा या हरिश्चंद्रगढ़ आ रहे हो तो हरिश्चंद्रगढ़ के लगभग 30-40 किलोमीटर तक कहीं पे भी नेटवर्क आपको नहीं मिलता, स्पेशली एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और फिर अगर आप हरिश्चंद्रगढ़ आते हो वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं है। कोकनगढ़ा में हर कोई कहता है कि वहाँ पे नेटवर्क मिलता है आपको, तो कोकनगढ़ा में हमको दिल्ली में थोड़ा थोड़ा मिला था और नहीं मिल रहा था कभी कभी, बट इस बार ऐसा है कि हमें कोकनगढ़ा में नेटवर्क नहीं मिला। बट नसीब मेरे घर वालों ने मैसेज डाला था, मुझे नोटिफाई आया चेंज करने पर, जाते वक्त और रिटर्न आते वक्त दोनों वक्त हमने यहाँ पे फैमिली पर फ़ोन करके बात किया। बीच बीच में नेटवर्क आ रहा और जा रहा था ड्यू टू वेदर शायद, बट अदर टाइम में शायद यहाँ पे नेटवर्क मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ आप ध्यान दो, यहाँ पे तीन पत्थर है, झरना बह रहा है और इस तरफ कुछ कांटे जैसे झाड़ वगैरह है। यहाँ पे हमेशा पानी नहीं रहता, हमेशा झरना नहीं रहता, ठंडी या गर्मी में आओगे आपको बिल्कुल भी झरना नहीं नजर आएगा। फिर भी ये पत्थर जो है इनको आप एक लैंडमार्क समझ के यहाँ पे आप अपनी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, या यहाँ आने से पहले आप अपने घर वालों को बता के रखो कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो रिटर्न आते वक्त ना ये वाटरफॉल ने काफी अच्छा एक रूप ले लिया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है देखने में। लेकिन हमें बताया गया कि इस वाटरफॉल से छोटे छोटे पत्थर आते हैं, तो कम्प्लीटली सेफ नहीं है ये वाटरफॉल। ओहो हो हो हो, चलिए दर्शन लेते भगवान श्री गणेश जी का। बोलो गणपति बप्पा। अंदर जो तैरने वाला सांप है वो दिख चुका है, जस्ट मेरे नीचे देखो, ये पानी का सांप है। इसका आप चेहरा देख के पता लगा सकते हो, ये जो है शायद जहरीला नहीं है क्योंकि इसके जो डंक है वो बाहर नहीं आए हुए, इसका मुंह भी काफी छोटा है, ये बिल्कुल आम फूल नहीं है लग रहा मेरे ख्याल से, लेकिन हम इसको टच नहीं करेंगे। देखो दिखा ना, बोल रहा हूँ इसको नेचर में जाने देते शांति से। तो गाइस जैसे हम लोग माउंटेन से उतर रहे थे पानी बारिश वारिश जोर से आने लगा, और जो बारिश आई ना ये देखो पानी का बहाव देखो आप कितने जोर से होने लगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगर कोई भी आ रहे गलती से भी इस पानी के अंदर मत उतरना, स्पेशली जब बारिश आ रही हो तब। देखो यहाँ से डायरेक्टली नीचे खाई है,